दतिया में कांग्रेस नेत्री एवं सीआरपीएफ जवान की विधवा पत्नी ने कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुरेश जाबर मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता पूरे दस्तावेज लेकर एसपी ऑफिस पहुंची और शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि सुरेश झा ने बैला फुसलाकर उससे 17 लाख रुपए हड़प लिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने स्थानीय कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती और दामोदर यादव से की है, लेकिन किसी ने कार्रवाई की पहल नहीं की। थक हार कर पीड़िता शिकायत लेकर प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के पास पहुंची, जिस पर उन्होंने कार्रवाई के लिए एसपी को पत्र लिखा। चौतरफा दबाव के बाद सुरेश झा ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। अब महिला ने मामले की शिकायत एसपी डी कल्याण चक्रवर्ती के साथ कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों से की है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा एसपी आरडी प्रजापति को सौंपा है। फुसला के मकान का सर्विस का झांचा दे के 17 लाख रुपए ले गए, नकली चेक मुझे दे गए और उसकी कोई कार्रवाई नहीं गई। मैंने 5-6 बार एसपी साहब को दे दिया, भोपाल गई, डीआईजी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभारी मंत्री को दिया था। क्या बोल रहे थे वो? ये कह रहे थे कि आप कार्रवाई करो एसपी साहब के पास। जब मैं आगे बढ़ी और फिर मैंने कांग्रेस वालों से मदद करी, कांग्रेस वालों ने मुझे किसी ना कोई मदद नहीं करी। मैं दामोदर के पास भी गई, उनने भी मेरी कोई मदद नहीं करी। राजेंद्र भाई साहब के यहाँ भी गई, उनने भी कोई मदद नहीं करी। मेरी जब मदद नहीं हुई तब मैंने एसपी साहब को बताई और फिर मुझे तो उससे मुझे पैसे दिला दो और मुझे कोई नहीं। एसपी साहब कह रहा है चल रही है कार्रवाई, हर बार यही कहते हैं कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। शिकायत मेरे पास भी आई है और सुरेश जाने विधानसभा के चुनाव के पहले भी बताया और अभी भी बताया और कई बार वो मुझे मेरे साथ में राजन भारती के पास भी गई सुरेश झा के बारे में कि मेरे 17 लाख रुपया लिए और मुझे चेक दिए और मेरे साथ शारीरिक शोषण भी किया उसने और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी उसने, किसने? सुरेश झा ने। तो ये मुझे भी बताया और हमने वरिष्ठ नेताओं को भी बताया अपने को चाहते हैं और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी कर रहे हैं। उसमें हमारे प्रभारी मंत्री ने भी गई थी जो 3 तारीख को, तो प्रभारी मंत्री ने भी मदद की कहा है कि उस पर सब लोग जांच कर रहे हैं हमारे कांग्रेस।